और उन सेमीफाइनल के मार्च की तरफ का एक मैच तो इंडिया ने जीत लिया। आज स्कॉटलैंड का मुकाबला शुड बी एन इजी वन, आसान होना चाहिए, इवन दो इस स्टेज पे स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बहुत सारे लोगों ने वो मैच देखा होगा, बट इट शुड बी एन इजी विन टुडे। आसान तो नहीं कहूंगा अखिल, बट इंडिया फेवरेट जरूर रहेंगे। स्कॉटलैंड में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके पास स्पिन खेलने वाले दो तीन अच्छे खिलाड़ी हैं। उनका जो स्पिनर स्पिनर है मार्क वॉट, अच्छे स्पिनर है। उस दिन हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या लगातार उन्होंने अच्छे ओवर किए। साफिया शरीफ जो उनका फास्ट बॉलर है, वो भी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। तो आसान नहीं रहेगा, पर इंडिया इंडिया के पास टैलेंट है, क्लास है, एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है, तो इंडिया को जीतना चाहिए आज। रिमेन इन द प्रेजेंट जो बोलते हैं, हमने जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ, पर आज के मैच में जैसे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और मोमेंट में रह के खेलते, प्रॉपर क्रिकेट खेल लिएगा, बस यही चाहिए हमें। आप वहां मैचेस कवर कर रहे हो, आप मैचेस पे काम कर रहे हो, माहौल कैसा है इंडिया मैचेस पे? अफगानिस्तान मैच के टाइम टीवी पे हमें दिख रहा था काफी सपोर्ट है, क्या आज भी वो उस काइंड ऑफ सपोर्ट एक्सपेक्टेड है? टिकट्स सोल्ड आउट ऑलरेडी इंडिया मैचेस? सोल्ड आउट के बारे में तो पता नहीं अखिल, पर सपोर्ट तो खूब है भारत के लिए। तो सपोर्ट हर एक मैच में सपोर्ट सपोर्ट रहा है। क्राउड्स, काफी क्राउड्स आए हैं, और वो जो झंडे लहराते हुए वो है ना, दृश्य है ना, बहुत देख के बहुत अच्छा लगता है। हम भारत में नहीं खेल रहे, हम यूएई में खेल रहे हैं, फिर भी उतना सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और जो स्टैंड से चीयर्स आते हैं ना, बहुत बहुत वो जो एहसास है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। हिंदी में तो मैं ओके शब्द ढूंढ रहा हूँ, पर अलग फेयर सा इनफ। फील नहीं है। बहुत खुश होता है देख के इतना सपोर्ट यूएई में, और सपोर्ट आज भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलो बढ़िया है, आज इंडियन कैप्टन विराट कोहली का बर्थडे भी है, सो दिवाली है, एक इंडियन कैप्टन का बर्थडे है, सो अच्छा गिफ्ट होगा अगर इंडियन क्रिकेट टीम फटाके फोड़े फील्ड के ऊपर, हमें ऐसा परफॉर्मेंस दे जो पिछले मैच जैसा, कि बैटर्स जाके अपना काम किया, रविचंद्रन अश्विन जैसे बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर फिर से आके उन्होंने अपना काम किया। तो इंडियन कैप्टन को बहुत सारी विशेष हमारी तरफ से, होपफुली आज फिर से एक परफॉर्मेंस होगा जो उनको उनको अच्छा लगेगा एज अ गिफ्ट। हमें 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 उनको प्रेशर महसूस नहीं करनी चाहिए, बस जाके क्रिकेट खेलो यार। क्रिकेट का खेल है, बस ये खेल है। हम सब इसलिए इस पे हैं, इसमें हैं क्योंकि ये खेल है, इसका मजा लेते हैं। बस जाके क्रिकेट खेलो, दिवाली का माहौल है, कप्तान का जन्मदिन है आज, फील गुड, बस यही चाहिए। फील गुड, जाके आराम से खेलो, मजे से खेलो। चलो वेरी गुड, देखते हैं ये मैच इंडिया के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जीतो जीतो मार्जिन से जीतो, नेट रन रेट अच्छा करो एंड अगले मैच की तैयारी करो। हम वापस आएंगे टाइम आउट विद स्पोर्ट्स अड्डा पे, बहुत सारी मैचेस बची है, सेमीफाइनल का रेस अभी हीट अप हो रहा है, तो हम वापस आएंगे बहुत जल्द।